अस्सलामुअलैकुम। आज रमज़ान स्पेशल में हम आपके लिए फ्रूट जेली मिनी कप्स लेकर आए हैं। ये इफ्तार में ठंडा ठंडा बहुत टेस्टी लगता है, तो इसे बनाने के लिए हमें जो फ्रूट लगेंगे और जो हम जिस चीज़ में हम सेट करने वाले हैं, जिस कप्स और जिस बॉल्स में हम इसे सेट करने वाले हैं, हमने इस तरह के मिनी ग्लास ले लिए हैं। आपके पास जो भी छोटे कप्स या बॉल्स हैं आप उसमें सेट कर सकते हैं। और हमने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है, ये चॉकलेट मोल्ड है सिलिकॉन का, तो इसमें भी हम सेट करेंगे। और फ्रूट में हमने काले अंगूर लिए हैं, हरे अंगूर, और एक अंजीर लिया है, एक कीवी और स्ट्रॉबेरी, एक ऑरेंज, और ये ड्रैगन वाइट वाला ड्रैगन फ्रूट लिया है। आपके पास जो भी फ्रूट है आप ले सकते हैं। कट कर देंगे और हमें दूध लगेगा, और हम अगर अगर से बना रहे हैं। अगर आपके पास अगर अगर ना हो तो आप जेलेटिन से भी बना सकते हैं। फ्रूट कट करने के लिए हमें कटर लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रूट को कट कर लेंगे, इसके बाद आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे। देखिए हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में कट कर दिए हैं। आप आपके हिसाब से जैसा चाहे वैसे कट कर सकते हैं। हरे अंगूर को भी कट कर लेंगे, तो इसी तरह हम बाकी के पूरे फ्रूट कट कर लेंगे। मिनी फ्रूट जेली बॉल बना रहे हैं इसलिए हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो चलिए बाकी के भी कट कर लेंगे। ऑरेंज को हम इस तरह से छिलके के साथ ही कट कर लेंगे। बीन जो है तो ये निकाल लेंगे। अब इसमें हम कटर की मदद से इसको गोल गोल शेप में निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो आप कोई भी चम्मच से इसे कट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमने इस तरह से गोल शेप में निकाल लिया। देखिए बाकी के हमने ये इस तरह से इसे छोटे छोटे क्यूब्स टाइप में कट कर दिया। हमें जितने लगेंगे फ्रूट उतने ही डालेंगे हम। देखिए हमने ये फ्रूट को कट कर लिया है। कीवी और अंजीर को भी इसी तरह हम कट कर लेंगे। और सबसे पहले हम फिर मिल्क वाला बना लेंगे। इसमें एक बॉईल आने तक इसे पका लेंगे। इसकी रेसिपी हमारे फ्रूट डेली केक में बता चुके हैं, आप चाहे तो उस पर चेक कर सकते हैं। जब तक हमारा कोकोनट वाला मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक हम ये पानी वाला जेली बना लेंगे। तो ये हम 2 कप पानी के हिसाब से बना रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम एक बॉईल आने तक इसे भी पका लेंगे। देखिए ये हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम फिल्म को बंद कर लेंगे। देखिए हम इस तरह की ये सिलिकॉन वाली मोल्ड में सेट कर रहे हैं फ्रूट। हम ये मिल्क वाले सेट करके उस पर रखेंगे। को एक पतली वाली इस तरह की एक प्लेट में से सेट कर लेंगे, फिर इसे कट करके ये फ्रूट वाले जेली पे इसको रखेंगे। एक छोटे से फैन से पहले इसे ठंडा कर लेंगे, इसके बाद फिर इसे फ्रीज़र में 4-5 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए पानी वाली जेली को भी हमारे अच्छे से बॉईल आ गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए हमने बाकी के जो फ्रूट रखे थे वो पूरे कट कर दिए हैं, अब इसमें सेट कर लेंगे। चलिए इसमें हम फ्रूट सेट कर लेंगे। सीजन के हिसाब से आपके पास जो भी फ्रूट है आप डाल सकते हैं।
पहले हम थोड़ा सा इसमें अगर अगर वाला पानी डाल देंगे, फिर दूसरे उसमें भी इसी तरह हम सेट कर लेंगे। इसी तरह हम पूरे सेट कर लेंगे, पूरे इसमें फ्रूट डाल के ये अगर अगर वाला पानी डाल देंगे। देखिए ये हमने इसमें पूरा अगर अगर डाल दिया है, इसे हम 4 से 5 मिनट फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। चलिए अब दूसरे जो हमने छोटे से ये ग्लास लिए है इसमें भी सेट कर लेंगे। देखिए हमने ये कोकोनट वाले मिल्क को और वापस से गर्म कर दिया था, क्योंकि ये सेट होना शुरू हो जाता है ठंडा हो गया तो इसमें से और वापस से गर्म किया है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्लासों में ये कोकोनट वाला मिल्क डाल देंगे, एक एक टेबल स्पून उतना इसको डाल देंगे। तो इसे 2-3 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। सेट होने के बाद इससे फ्रूट डाल के जेली वाला पानी इसमें डाल देंगे। देखिए ये हमारा कोकोनट मिल्क बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। देखिए उल्टा करने पर भी ये नहीं गिर रहा है, तो ये मतलब अच्छे से सेट हो गए हैं। बस इसे हमें 2-3 मिनट ही लगे हैं सेट होने के लिए, इसे हमने बस फैन में रख दिया था। चलिए इस पर अब हम फ्रूट सेट कर लेंगे। इससे पहले हम इस तरह से ये हरा वाला अंगूर लगा लेंगे, फिर ये ब्लैक वाला, फिर कीवी, ऑरेंज, इसे हमने वापस से गर्म किया था। ये पूरे चारों ग्लासों में हम ये जेली वाला पानी फ्रूट डाल के डाल देंगे। बस अब इसे हम सेट होने के लिए 2-3 मिनट रख देंगे। चलिए अब ये बड़े बॉल में भी सेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से ये छूने पर हाथ को नहीं लग रहा है, तब इसमें हम ये कोकोनट वाला मिल्क इस पर डाल देंगे। पूरा सेट होने के बाद इसे डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए हम ये मोल्ड के नीचे रखने के लिए इसको हम इस तरह से कटर की मदद से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने जो ये सेट होने के लिए कोकोनट मिल्क रखा था उसके नीचे हमने बस एक एक इस तरह से एक बिस्किट रख दिया है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते। तो चलिए इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए बस इसको हल्का सा प्रेस करें हमने और ये हमारा निकल। देखिए ये कितने अच्छे से सेट हुआ है और कितनी प्यारी लग रही है ये जेली हमारी। इस तरह से इस पे हम सेट करते जाएंगे। देखिए अभी हमने इसको रिमोट कर लिया है, अब हम दूसरे वाले भी निकाल लेंगे।
तो लीजिए ये हमारे ब्यूटीफुल जापानी मिनी जेली केक तैयार है। आप इसे इफ्तार में ज़रूर बनाएं, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ्तार में इसे 1-1.5 घंटा पहले बना के रखें। ये ठंडे होने के बाद बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। इफ्तार में इसे ज़रूर ट्राई करें, और आपके पास भी इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।